हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। दिस हमारे पास एपी यहां पर दिया हुआ है 7, 10, 13 ऐसे ऐसे करके कहां तक 184 तक। तो इस एपी में आप देखिए, अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, a2-7 यानी 10-7 3 हो जाएगा। और हमारे पास इसका लास्ट टर्म यानी कि जो l है वह 184 है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ap क्या होता है इसके लिए। तो लास्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है n-1 इंटू डी को। तो यहां पर हमें निकालना है इसका एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी क्या हो जाएगा। लास्ट टर्म 184 माइनस का n-1, तो इनकी जगह पे यहाँ पे हो जाएगा कितने 8-1 और इंटू में डी के जगह पे आपका 3 हो जाएगा, डी के प्लस पे 3 हो जाएगा। तो 184 माइनस का 7 इंटू में 3, तो 184 माइनस का 21 यानी कि आ जाएगा 163। हमें यहाँ पे 8 टर्म मिलेगा इंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कर रहा है। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमारे पास यहाँ एपी दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, 10th टर्म निकालना है इंड से। एपी है आपका 8, 10, 12 कहाँ तक 126 तक। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस जो है, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है जी, जिसे डिनोट करेंगे a2-a1 यानी आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा, और इसका लास्ट टर्म क्या है इस एपी का, लास्ट टर्म यानी कि l जिसे डिनोट कर सकते हैं 126। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी क्या होता है फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है n-1 इंटू डी को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, इक्वल टू में लास्ट टर्म है 126 माइनस यहाँ पे 10-1 और डी के प्लेस पे है 2। 126 माइनस का 9 इंटू में 2, 126 माइनस का 18 यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 में कितना जाएगा आपका 108 ना आ जाएगा यहाँ पर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 44। फाइंड द एपी। हम लोग ये लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, हमारे पास दिया है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया हुआ है 24। अच्छा, तो क्या हो जाएगा a प्लस का 3d और यहाँ हो जाएगा a प्लस का 7d इक्वल टू में 24। 2a प्लस का 10d इक्वल टू 24, 2 कॉमन कर लेंगे, a प्लस का 5d इक्वल टू में 24, ये जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस का 5d इक्वल टू में आ जाएगा आपका 12 इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है कि द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। तो क्या हो जाएगा a प्लस का 5d और प्लस में a प्लस का 9d इक्वल टू में 44 यानी आ जाएगा 2a प्लस का 14d इक्वल टू में 44। 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस का 7d इक्वल टू में 44, 2 जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस का 7d इक्वल टू में 22 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों से हम लोग ए पी फाइंड कर लेंगे, पहले ए और डी निकाल के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, ए प्लस 7d इक्वल टू में 22 और ए प्लस का 5d इक्वल टू में 12। यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस ये आपका कट जाएगा, यहाँ 2d और इधर आपका 10 हो जाना, डिवाइड में जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 5। d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट तो ए प्लस का 5 इंटू में डी के जगह पर 5 इक्वल टू में 12।
तो ए प्लस का आपका 25 इक्वल टू में 2 ले जाकर तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ए इक्वल टू में माइनस का 13 आ जाएगा, ए का वैल्यू माइनस का 13। तो हमें ए पी निकालना है, तो ए पी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए माइनस का 13 है, सेकंड टर्म आपका ए प्लस का डी हो जाएगा यानी कि माइनस का 13 प्लस का 5 यानी माइनस का 8 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ए प्लस का 2d यानी कि माइनस का 13 और प्लस का 2 इंटू में 5, माइनस का 13 और प्लस का 10 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें इसके फोर्थ टर्म की तो a प्लस का 3d यानी कि माइनस का 13 और प्लस का 2 इंटू में सॉरी 3 इंटू में 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस का 15 प्लस का 2 आ जाएगा। देयरफॉर हमें जो ap निकालना था, रिक्वायर्ड ap क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 2, ये आपका ap आ गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच टर्म ऑफ द ap इज 120 मोर देन इट्स 21 टर्म। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द ap विल बी 120 मोर देन इट्स 21th टर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एपी दिया हुआ है, एपी है 3, 15, 27, 39, इस तरह से एपी दिया है। तो इसके अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस डी की बात करेंगे तो ये ए टू माइनस का ए वन यानी कि 12 आ जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका nth टर्म जो है ना 120 मोर है इसके 21th टर्म से। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और इधर हो जाना है a प्लस का 20d प्लस का 120। टू a से a यहाँ काट देंगे, n माइनस वन इंटू डी के प्लेस पर आपको रख देना है 12 इक्वल टू में 20 इंटू में 12 प्लस का 120। क्या हो जाएगा आगे सॉल्व करने पे, तो n माइनस वन इंटू में 12 इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 240 प्लस का 120। n माइनस वन इंटू में 12 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 360। 12 को ले जाएंगे डिवाइड में तो n माइनस वन इक्वल टू में 360 बाई में 12, यहाँ पर 30 आ जाएगा। 1 जाके ऐड कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 31। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफोर 31th टर्म ऑफ द ap विल बी 120 मोर देन इट्स 21th टर्म। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द 17th टर्म ऑफ द AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इफ द 11th टर्म ऑफ द AP इज 43, फाइंड द nth टर्म। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि let a be the ऐसे लिखते हैं, a be the first term and d be the common difference ऑफ द गिवन AP। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या करा कि इसका 17 टर्म है ना जो AP का इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। अच्छा, 8th टर्म का ट्वाइस करना है और उसमें 5 ऐड कर देना, तो ये 17 टर्म के इक्वल होगा। और फिर यहाँ क्या आ रहा है कि 11 टर्म AP का जो है 43 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके लिए a प्लस का 16d और इक्वल टू में 2 इंटू में a प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7d इक्वल टू में 5। तो a प्लस का 16d इक्वल टू में 2a प्लस का 14d इक्वल टू में प्लस में 5। इसको इधर लाते हैं, a प्लस का 16d माइनस का 2a माइनस का 14d इक्वल टू में 5। तो माइनस a प्लस का 2d इक्वल टू में 5 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ से देखिए a प्लस का 10d इक्वल टू में 43 ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, माइनस का a प्लस का 2d इक्वल टू में 5 और a प्लस का 10d इक्वल टू में 43।
यहाँ साइन चेंज है, प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12d इक्वल टू में यहाँ पर 48, ये जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा d का वैल्यू। d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मान लो सेकेंड, तो a प्लस का 10 इंटू में d का वैल्यू है 4 और इक्वल टू में 43, तो a प्लस का यहाँ पर 40 इक्वल टू में 43 यानी a का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा और d का 4 है, तो हमें क्या निकालना है इसका nth टर्म निकालना है, तो n टर्म ऑफ द ap a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, तो a का वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है यहाँ 4, तो 3 प्लस का 4n माइनस का 4 यानी आ जाएगा यहाँ से 4n माइनस का 1 इसका nth टर्म होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, अच्छा विच आर डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर कितने होंगे, ठीक है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं कि लेट n number of all three digit natural numbers which are divisible by 9, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल 9 कौन कौन से होंगे, थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9 कौन कौन से होंगे जी 9 से डिविजिबल, तो आप देखो आप थ्री डिजिट में 100 से लेके 999 तक देख सकते हो, तो 100 तो 9 से डिविजिबल होगा नहीं, अच्छा क्या होगा 101 होगा कि नहीं, नहीं होगा 102 103 104 108 हो जाएगा, 108 जो हो जाएगा ठीक है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें 9 ऐड कर दो 100 कितना हो जाएगा आपका 17, फिर इसमें 9 ऐड कर दो तो 100 कितना हो जाएगा आपका 26, ऐसे करके 999 भी आपका डिविजिबल है 9 से, है कि नहीं, है ना जी। चलिए तो ये हम लोग मान लिए कि n नंबर से, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा इस ap का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यानी a क्या हो जाएगा 108, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी d क्या होगा a2 - a1 117 माइनस का 108, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें n टर्म है, तो nth टर्म इसका 999 होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में ये 999, a का वैल्यू है आपके पास कितना 108 है प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है, तो d आपके पास n है सॉरी 9 है और इक्वल टू में 199 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो n माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू में 999 माइनस का 108, तो n माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे कितना 791 हो जाएगा, 791 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 891 हो जाएगा, 9 को डिवाइड में लेते हैं तो 891 और y में 9 तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 99 81 आ जाकर उधर ऐड हो जाएगा तो 100 आ जाएगा इनके वैल्यू, यानी कि टोटल 100 टर्म है, देयरफॉर लिख सकते हैं कि 100 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 9 जो आपका थ्री डिजिट वाला नंबर था उसके बीच में। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, द 19th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म, ठीक है। इफ 9 टर्म इज 19 फाइंड द एपी, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द या लेट ए बी द, ऐसे लिख देते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, क्या अगर क्वेश्चन में कि एपी का जो 19 टर्म है वह इक्वल है किसके, थ्री टाइम्स ऑफ इट सिक्स टर्म, सिक्स टर्म के थ्री टाइम्स, तो ये ए प्लस का 18d हो जाएगा, थ्री इंटू में ए प्लस का 5d हो जाएगा, ए प्लस का 18d इक्वल टू में 3a प्लस का 15d हो जाएगा। इन दोनों को इधर लेके आते हैं, ए प्लस का 18d माइनस का 3a माइनस का 15d इक्वल टू में 0, तो माइनस का 2a और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू में 0, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एपी का जो नाइन्थ टर्म है वो 19 है, तो a प्लस का 8d इक्वल टू में 19, इक्वेशन सेकंड, इसमें 2 से, इसमें 1 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए ये आप ऊपर वाला यहाँ देखिए और इसको देखिए, माइनस का 2a प्लस का 3d इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस का 16d इक्वल टू में 38, यहाँ ये कट जाएगा, ये 19d इक्वल टू में 38 ये जाएगा डिवाइड में, तो d का वैल्यू आ जाएगा 2, d का वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड, तो a प्लस का 8 इंटू में 2 इक्वल टू में 19, a प्लस का 16 इक्वल टू में 19 ये जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर कितना जाएगा 3 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 3 आ गया और d का वैल्यू 2 आ गया, तो a और d निकल के हमें ap निकालना है यहाँ पर, तो ap का हमारा फर्स्ट टर्म यानी a ही होगा 3, सेकेंड टर्म आपका a प्लस का d यानी कि 3 प्लस का 2 5 हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका a प्लस का 2d होता है यानी कि 3 प्लस का 2 इंटू में 2 हो जाएगा यानी 3 प्लस का 4 7 हो जाएगा, ए फोर आपका फोर टर्म हो जाएगा, ए प्लस का 3d यानी कि 3 प्लस का 3 इंटू में 2 यानी 3 प्लस का 6 9 हो जाएगा। देयरफोर हमारे पास जो ए पी है वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए पी आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 5 7 9, ये आपका ए पी हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कर रहा है कि द नाइन टर्म ऑफ द ए पी इज इक्वल टू द 6 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म, इफ फिफ्थ टर्म इज 12 फाइंड द ए पी। तो हम लोग सेम उसी तरह से लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। ठीक है, अच्छा तो अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि नाइन्थ टर्म जो है 6 टाइम है इसके सेकेंड टर्म के, और यहाँ कह रहा है कि फिफ्थ टर्म जो है वह 22 है, तो यहाँ पे देखो a प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस का 8d और इधर 6 इंटू में a प्लस का 8d इक्वल टू में 6a प्लस का 6d, इसको इधर लेके आते हैं, a प्लस का 8d माइनस का 6a माइनस का 6d इक्वल टू 0, तो माइनस का 5a और प्लस का 2d इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस का 4d इक्वल टू में 22, इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 10a प्लस का 4d इक्वल टू में 0, और ये हो जाएगा आपका a प्लस का 4d इक्वल टू में 22। यहाँ देखिए यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस का 11 ए इक्वल टू माइनस 22 ये जाएगा डिवाइड में, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2। अब ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, ए प्लस का 4d इक्वल टू में 22, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 प्लस का 4d इक्वल टू 22, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4d का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 20 यानी d इक्वल टू में आ जाएगा 5। a और d का वैल्यू जब हमने निकाल लिया तो हमें क्या करना है इसका, तो ap हमें फाइंड करना है, तो ap हम लोग निकाल देते हैं, तो देयरफॉर हम लोग ap का फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो a ही हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म की बात करें तो a प्लस d यानी 2 प्लस का 5 7 हो जाएगा, थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस का 2d यानी कि 2 प्लस 2 इंटू में 5 यानी 2 प्लस का 10 यहाँ पे 12 हो जाएगा, फोर्थ टर्म की बात करें यहाँ पर तो a प्लस का 3d यानी कि 2 प्लस का 3 इंटू में 5
टू प्लस का 15 यानी 17 हो जाएगा। तो हमें जो एपी निकालना था तो वह एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एपी हो जाएगा 2 7 12 17, ये आपका एपी हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्या कह रहा है कि द 24 टर्म ऑफ द एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म सो डैट 72 टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म। हमें ये शो करना, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ क्या करा कि 24th टर्म जो है ना जी वह ट्वाइस इट्स टेंथ टर्म का ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस है, सॉरी टू रखेंगे ना, 10th टर्म का ट्वाइस है। अब इसके बाद देखिए ए प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 23d और यहाँ 2 इंटू में ए प्लस का आ जाएगा 9d। तो ए प्लस का 23d इक्वल टू में यहाँ 2 है, 2a प्लस का 18d। ठीक है, इन दोनों को इधर लाते हैं, a प्लस का 23d माइनस का 2a माइनस का 18d इक्वल टू जीरो। तो आ जाएगा माइनस का a और प्लस का 5d इक्वल टू में जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, या फिर आप इसे एक और काम कर सकते हो, यहाँ से एक और स्टेप ले सकते हो, यहाँ से एक को इधर लाएंगे तो a इक्वल टू में 5d इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। हमें क्या दिखाना है कि इसका 72 टर्म जो होगा 4 टाइम्स होगा 15 टर्म के। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ले लें अगर 4 टाइम्स 15 टर्म का तो क्या होगा, हमें जो साबित करना पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। टू प्रूव इसका कौन सा टर्म, 72 टर्म ना, 4 टाइम्स होगा 15 टर्म के, 72 टर्म्स 4 टाइम्स होगा 15th टर्म के। तो इसका अगर हम लोग RHS लें, यानी कि अगर हम लोग 4 इंटू में 15 टर्म्स ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू में a प्लस का 14d, यानी हो जाएगा यहाँ पर 4a और प्लस का कितना हो जाएगा 56d। तो यहाँ पर एक ए को रख के बाकी को हटा देते हैं, 3a कर देते हैं और प्लस में 56d कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, एक ए ऐसे रहने देते हैं, 3 इंटू में एक ए प्लस पे यहाँ 5d कर देते हैं और प्लस का 56। ठीक है, अच्छा ए प्लस का 15d प्लस का 56d, ए प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर 71 आ जाएगा, क्या 71d। तो ये आपका 72 टर्म ही ना है, तो यही ना मैं प्रूव करना था, आपका LHS आ गया। समझ गए। चलिए तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।